नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। बीते साल 2020 में कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत की तस्वीरें दोबारा एक बार फिर सामने आने लगी है। मार्च में मामलों का बढ़ना, फिर सरकार का पाबंदियों का ऐलान करना, इसी बीच देश के अलग अलग हिस्सों से आकर बड़े शहरों में नौकरी करने वाले मजदूरों ने भी पलायन करना शुरू कर दिया है। मुंबई में काफी तादाद में प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौट रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखी जा रही है। प्रवासी मजदूर वही वर्ग है जो पिछले साल यात्रा सेवाएं बंद होने के कारण पैदल या अलग अलग तरीकों से अपने गांव तक देश के कई हिस्सों से मजदूर की घर वापसी की खबरें आ रही है। झारखंड में भी लौट रहे मजदूर की संख्या बड़ी है। यहां हर रोज सैकड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली और तेलंगाना से लौट रहे हैं। ओडिशा के गंजम जिले में भी यही हाल है। गुजरात, महाराष्ट्र और केरल जैसे देश के हॉटस्पॉट राज्यों में रहकर काम कर रहे मजदूरों ने अपने गांव लौटना शुरू कर दिया है। वहीं सूरत और मुंबई से आ रही रेलगाड़ियां भी पूरी भरी हुई नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि 5 राज्यों की एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी मजदूरों के वापस आने का बड़ा कारण बन रहा है। कर्नाटक में काम कर रहे कई मजदूर मतदान के लिए अपने गांव वापस चले गए हैं, साथ ही वे संभावित पाबंदियों के चलते वापस लौटने को भी अनुचित है।